السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هم نراكار مست نه آكار مست नेह पितास्त ने पुत्रम मस्त जो सर्वग लिफ्त निर्लिफ्ता ता महिमा को का संक्षेपा जा के नाम तरत संसारा जा ही नाम दुख सुख सहारा सदर महतरम हाजरीन जलसा और स्टेज पर बैठे हुए आलमा इकराम और इस इलाके से और झारखंड इस इलाके से आए हुए सामेईन नौजवान साथियों प्यारे भाइयों पर्दे के अंदर मेरी माँ बहनों मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबों को इंसान बनाया और सबको मालूम है पता है कि इंसान बनाने वाला कौन अल्लाह रब्बुल आलमीन लेकिन इंसान बनाने के बाद हमको और तमाम इंसानों के लिए एक किताब दी है और उस किताब का नाम है कुरान मजीद। इस किताब के खिलाफ लोग हजारों बातें कहते हैं
लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बात कह दिए उन बातों को दफन कर दिया जाता है। आवाज़ उठाई जा रही है लेकिन आवाज़ को दफन कर दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि यह अल्लाह की किताब है। और अल्लाह ताला ने फरमाया इसके साथ अगर कोई बराबर करने की कोशिश करे तो खुद बर्बाद हो जाएगा, ये कुरान को मिटा नहीं सकता। ये वह किताब है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, है इंसानों, है दुनिया वालों, है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दो, आप कह दो कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि किताब को यानी किताब की जिम्मेदारी तुम्हारे पास रहे या अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास रहेगा, ये फिक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, ये कुरान की जिम्मेदारी मैं खुद अपने हाथों में और अपने पास रखता हूँ। ये इंसान सारे दुनिया वाले मिलकर इस किताब को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है जब हम कुरान को खोलते हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं किससे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस पर गौर करते हैं कुरान ने बिस्मिल्लाह से शुरू किया, मंत्र उठाते हैं और आज के जो पंडित लोग और आज के जो दुनिया में दहशत यानी धर्म के बारे में बुरा भला और गंदी बातें कहते हैं उनकी बातों पर और उन बातों को अच्छी तरीके से मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि कुरान ने जो हकीकत में जो सूरह फातिहा बयान की है क्या मंत्रों के अंदर भी मौजूद है, क्या मंत्रों के अंदर भी ऐसी बातें कही है कि जो हूबहू नकल किया कि मंत्रों ने और कृष्ण जी ने बताया हो। आइए सबसे पहले हम कुरान खोलते हैं, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाया मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, हे इंसानों सुन लो, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम को कर्म करने वाला है। किसने फरमाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। है दुनिया वालों मैं शुरू करता हूँ अपने नाम से, हाँ जब हम अथर्ववेद खोलते हैं, जब हम मंत्र के अंदर उस धर्म के अंदर और उस चीज़ों के अंदर गौर व फिक्र करते हैं, अब उन मंत्रों के अंदर भी यही बात कह दी गई है लोगों तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ तुम्हें क्या करना है, है दुनिया वालों अब अथर्ववेद उठाइए और देखिए मंत्र के अंदर बताया गया है, हाँ इस किताब की जिम्मेदारी उस परमात्मा की मैं शुरू करता हूँ जो पहले से था यानी उस परमात्मा और उस ईश्वर की बातों से मैं शुरू करता हूँ जो पहले से मौजूद था यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो पहले से था और अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद रहेगा। दुनिया ख़त्म हो जाए अलग बात है, दुनिया में इंसान ना रहे अलग बात है, लेकिन एक बात याद रखो है इंसानों अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद रहेगा क्योंकि हमें पैदा करने वाला अल्लाह है, हमें इस दुनिया के अंदर भेजने वाला अल्लाह है। आइए मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है, हम किससे यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथों मिट्टी से पैदा किया और पैदा करने के बाद यानी उन फरिश्तों से कहा कि सजदा करो लेकिन उसने सजदा नहीं की, इबलीश शैतान बन गए बगैर सजदा की वजह से उसने सजदा नहीं की इसलिए वो शैतान बन गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर रखा। कुरान खोलिए अल्लाह ताला फरमाता है व कुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिनहा, ऐ लोगो दुनिया वालों सुन लो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर रखा और रखने के बाद उनके साथ उनकी बीवी भी थी, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम भी थी और दोनों जन्नत के अंदर रखने के बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा, जन्नत के अंदर रहना कुछ भी हो जाए, हाँ इसी के अंदर रहना, कोई परेशानी आ जाए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो भी परेशानी हो मुझसे मांगना मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी बातों को नहीं मानी, अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया। क्यों निकाला? कि अल्लाह की बातों की नाफरमानी की, उसे मना किया था दरख्त के करीब मत जाना, वो दरख्त के करीब चले गए, अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया।
तो बताने का मकसद ये है कि मालिक वो है, रब वो है जो हमें पैदा किया है, हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है। है लोगों, दुनिया की दुनिया वालों सुन लो, जब इंसान परेशानी में पड़ते हैं, जब इंसान दुख और तकलीफों में जाते हैं, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है, अपने मालिक को याद करता है। ये कहते हैं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कहाँ है, लेकिन जब वो खाते पीते हैं, जब बैठे रहते हैं, उसे कोई परवाह नहीं कि अल्लाह है या नहीं है, उसे कोई टेंशन नहीं कि अल्लाह मौजूद है। ये भी परेशानी, ये भी कभी गौर और फिक्र नहीं करता है कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह को याद करना है। आइए महाभारत खोलिए, देखिए, एक मंत्र उठाइए, सच्ची बात कह दी गई है। प्रथम ही अधि पुरुष का धन्य है वो, जा पर सत शिक्षा सब पावो, परम पुरुष अखंड रूपा है सर्वात्मा रूप अनुपा। यानी हकीकत कह दिए है, दुनिया वालों सुन लो, ये हकीकत क्या कह रहा है, ये हमारी किताब कुरान ने नहीं बता रहे हैं, उन लोगों की किताबें। आज भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बाजारों में होंगे, क्योंकि महफिल में तो लोग आते नहीं है। वो सुनिए क्या कहा, प्रथम यानी नबी अलैहिस्सलाम आने से पहले बुराइयां चारों तरफ फैल गई, और इस तरीके से बुराइयां फैली, फिर अल्लाह ताला ने उन बुराइयों को रोकने के लिए अल्लाह के नबी को भेजा, यानी परमात्मा को भेजा। ईश्वर ने अल्लाह अपने रसूल को भेजा, और उन रसूलों से हमने तालीम हासिल किए, उन रसूलों से हमने दीन की बातें हासिल किए। है लोगों, आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, नबी अलैहिस्सलाम आने से पहले किस तरीके से बुराइयां फैली हुई थी। आइए हम गौर करते हैं, आइए हम फिक्र उन चीज़ों पर फिक्र करते हैं, देखते हैं पीछे जाकर अल्लाह के नबी आने से पहले उन बुराइयों को किस तरीके से अल्लाह के नबी ने ख़त्म किया। अल्लाह के नबी आने से पहले अगर किसी के घर में लड़कियां पैदा हुई, उन जालिमों ने उन लड़की को जिंदा दफन कर दिया करते थे, उन लड़की को मार देते थे, जिस तरीके से आज दुनिया में हो रहा है। आपको पता है कि आज भी जालिम बाप ने अपने बेटी को कत्ल कर रहा है, मालूम है आप लोगों को? नहीं। क्यों मालूम नहीं है? फिक्र नहीं करते हो क्यों? उठाइए आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वाक़या देखिए, न्यूज़ में भरे पड़े हैं, आप कभी इस पर गौर और फिक्र नहीं करते हैं। एक जालिम बाप ने पाकिस्तान के अंदर 7 दिन की बेटी को 7 गोलियों से भौंदा, यानी उसको ख़त्म कर दिया, और इस जुर्म से मारा कि मेरी बेटी पैदा हुई है, मैं इसे ज़िंदा रखना नहीं चाहता, मैं तो बेटा चाहता था, लड़की पैदा हुई है, मैं इस लड़की को क्या करूँ, पालूँ, इसको खिलाऊँ पिलाऊं, फिर उसको शादी भी कराऊं, मैं पैसा भी दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। उस बाप ने, जालिम बाप ने, उस फिरौन के भाई ने उस बेटी को खत्म कर दिया। उस जालिम बाप ने और नबी अलैहिस्सलाम आने से पहले उन लोगों के भाइयों ने उस बेटी को भी मार दिया पाकिस्तान के अंदर, उन जालिम बाप ने उन बेटी को खत्म कर दिया। 7 दिन की बेटी थी, माँ रो रही है, और यह भी एक आदमी ने कह दी है, अरे तुम्हें बेटी पसंद ही नहीं है, तुम मुझसे कहते हैं, मैं तुम्हें पैसा भी देता बदले में, लेकिन मामला क्या है, बेटी को पसंद नहीं करता, है या नहीं है? समझ में आ रही है या नहीं है? हमारे माशरे के अंदर बेटी को पसंद नहीं करता है लोग, अरे लड़की पैदा हुई, देखो आज रात में लड़की पैदा हुई, कल बाप फरार हो जाते हैं, बम्बई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो लड़कियां पैदा हुई अल्लाह के नबी आने से पहले, घरों में लड़कियां पैदा हुई, लोग जिंदा दफन कर दिया करते थे। हाँ, किसी औरत की शौहर का इंतकाल हो गया, उन जालिमों ने, उन दरिंदों ने, उन लोगों ने क्या करते थे, उन शौहर के मर जाने के बाद उन औरत को जिंदा जला दिया करते थे। यानी वो लोग कहते थे तुम्हें दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। उन जालिमों ने इस दर्दनाक वाकया से, यानी इन चीज़ों से गुजरा, फिर अल्लाह के नबी आने के बाद इनको ख़त्म किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद इन चीज़ों को ख़त्म किया। मेरे भाइयों, आइए, ये दो आदमी जा रहे हैं, शौहर बीबी कहीं से गुजर रहे हैं, अगर किसी की निगाह पड़ी, यानी एक आदमी मालदार आदमी, पैसे वाला आदमी बैठा हुआ है, वो दो देख रहे हैं,
कि शवर बीबी जा रहे हैं, उनकी बीबी बहुत खूबसूरत है। अब उनसे वो आदमी जाकर डायरेक्ट मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि देखो तुम अपनी बीवी को मेरे पास एक रात के लिए भेज दो, वरना मैं तुमसे लड़ूंगा या कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हालात देखिए, वो नौजवान वो लोग लड़ते थे, हाँ यानी उस आदमी को मिलजुल कर मारते भी थे और वो औरत उनके साथ चली जाती थी, कोई परेशानी नहीं। इन बुराइयों को भी ख़त्म किया अल्लाह के नबी आने के बाद, इन चीज़ों को ख़त्म किया। लोग नबी अलैहिस्सलाम आने से पहले लोग 360 बुतों की यानी पूजा क्या करते थे, उनके सामने अपने सर को झुकाते थे। फिर अल्लाह के नबी ने इन चीज़ों को भी ख़त्म किया और कुरान ने उनका नक्शा खींचा है। जाल हक व ज़ाक अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, है लोगो हक आ गया है, बातिल मिट गया है, बातिल तो मिटने वाला ही था। अल्लाह ताला ने नबी को भेज कर, अल्लाह ताला ने रसूल को भेज कर इन तमाम बुराइयों को ख़त्म कर दिया और दुनिया में इस्लाम जैसे अमन अमान और हमें इस्लाम जैसे मज़हब से दिया है। लेकिन आज हम इस्लाम को फॉलो करने से भी डरते हैं, डर लग रहे हैं, क्योंकि यूपी के अंदर लोगों को पकड़ कर कहा जा रहा है मैं तुम्हें पैसा दूंगा, या ये धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें मार दूंगा। तो वो क्या कह रहे हैं, चलो क्या कहना चाहते हो, वो लोग कहते बोलो जय श्री राम, वो मुसलमान कह रहा है जय श्री राम, कोई परवाह नहीं, वो डर ही नहीं रहा है, यानी अल्लाह का डर उनके दिलों में है ही नहीं। क्या बात है, अरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले इन बुराइयों में भरी पड़ी थी, फिर अल्लाह के नबी ने नबी आने के बाद इन बुराइयों को ख़त्म कर दिया। अल्लाह के नबी देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आदमी बैठा है, उसी को बताने लगे दीन के बारे में। 10 आदमी बैठा है, 10 आदमियों का बैठक है, वहाँ पर बता रहे दीन की बात। एक दिन अल्लाह के नबी खाना काबा में नमाज पढ़ रहे हैं, खाना काबा में अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, अबू जहल और उनके साथी लोग आए, अबू जहल और उन मुशरिकों आने के बाद अल्लाह के नबी की पीठ पर ऊँटने की ओझली ला कर रख दी, और रखने के बाद अल्लाह के नबी सजदे से सर उठाना मुश्किल हो रहा है, परेशानी है, अल्लाह के नबी सर उठाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, फिर भी वो लोग हंसी कर रहे हैं, उन जालिम लोग हंसी कर रहे हैं, खिलखिला कर हंस रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ना दौड़ी दौड़ी आई और आने के बाद उस ऊँटने की ओझली हटाए, फिर वो सजदे से सर उठाए। अल्लाह के नबी ने उन लोगों के लिए बद्दुआएं की कि फला आदमी से अल्लाह तो इंतकाम ले ले, तो इनसे बदला ले ले। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैंने देखा कि बद्र के मैदान में वो लोग उन लोगों की लाश पड़ी हुई थी, उन लोगों को मारा गया, वो लोग ख़त्म हो गए। अल्लाह के नबी पर उंगली उठाने वालों का हाल यही होता है, आज हो या 1400 साल पहले हुआ है, लेकिन जब हम नमूना उठाते हैं तो यही हाल मालूम होता है। आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नबी को गाली दे रहे, नबी के बारे में बुरा भला कह रहा है, नबी के बारे में ये कह रहा है कि नबी ऐसा है नबी वैसा है। ये कहने दो कि तुम नहीं करती हो, तुम तो नमाज नहीं पढ़ते हो, जुमे के नमाज में जा रहे हो, सुन्नत छोड़ के भाग रहे हो और कह रहे हो कि मैं नबी की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, वो लोग कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, लेकिन तुम तो छुपे हुए कर रहे हो। मुसलमानों के अंदर भी ये खराबी है, ये फख्र ना करो कि मैं मुसलमान हूँ तो नबी को मान रहे हो। आइए, अल्लाह के नबी मक्का में लोगों को दीन की बात बता रहे हैं, मक्का के लोग दीन की बात नहीं मान रहे हैं। अल्लाह के नबी ने ये सोचा कि चलो अगर यहाँ के लोग दीन की बात नहीं मान रहे हैं तो हम चलते हैं बाहर, चलते हैं और किसी जगह पर जाकर दीन की बात बताएंगे। आइए, वो अल्लाह के नबी 100 किलोमीटर का सफ़र पैदल चल कर ताइफ का सफ़र किया है और जाने के बाद वहाँ के सरदारों को बताया, वहाँ के लोगों को जाकर कहने लगा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। वो लोग क्या कहते हैं, तुम नबी हो, तुम्हारा नाम मोहम्मद है, अरे तुम्हें रसूल हो, तुमने अपने आप को रसूल दावा कर रहे हो, अरे नबी अल्लाह को बनाना था तो हमें क्यों नहीं बनाया, मैं बादशाह हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, पैसे का कोई कमी नहीं है, पैसे के अंबार हैं, फिर भी हमें रसूल क्यों नहीं बनाया। लेकिन अल्लाह के नबी ने फिर भी उन लोगों के बात तो पर वहां से यानी लौटे नहीं, वहां के लोगों को और
ताइफ की गलियों में जा जाकर लोगों को पकड़ पकड़ कर दीन की बात बताना शुरू कर दिया। ताइफ की गलियों में जाकर दीन की बात बता रहे हैं, दीन की बात कह रहे हैं, है लोगों ने कमल कर लो, है लोगों दीन पर अमल किया कर लो। वो लोग जाकर दीन पर अमल करने लगे, लेकिन ताइफ के गलियों में और ताइफ में अल्लाह की कसम एक भी आदमी ईमान नहीं लाए। किस पर? नबी अली सलाम पर, रसूल पर एक भी आदमी ईमान नहीं लाए। अल्लाह के रसूल पर एक शख्स भी एक हफ्ते तक रहने के बाद भी एक आदमी ईमान नहीं लाए। मजबूरी में अल्लाह के नबी ने सोचा यहाँ के आदमी भी ईमान नहीं ला रहा है, फिर भी अल्लाह के नबी ने सोचा कि चलो यहाँ से निकल जाते हैं। अगर ये लोग ईमान नहीं ला रहा है, अगर ये लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है, तो हम बाहर जाकर लोगों को बताएंगे। मेरे भाइयों, फिर वो अल्लाह के नबी वहाँ से निकले और निकलने के बाद निकलने की बात किए, मुशरिकिनों को पता चल गया, मालूम हो गया कि हाँ निकल रहे हैं। फिर क्या किया उन दरिंदों ने? वहाँ के बादशाहों ने पैसे दे देकर गुंडे और मवालियों को ख़रीदा, पैसे दे देकर उन लोगों को ख़रीदा कि अल्लाह के नबी पर जुल्म करें, अल्लाह के नबी को मारें। फिर अल्लाह के नबी निकलने की बात किए, उन गुंडे और मवालियों ने अल्लाह के नबी पर पत्थरों की बारिशें की, अल्लाह के नबी को मारा गया, अल्लाह के नबी पर जुल्म किया गया। हद तो यहाँ तक पहुँच गए, अल्लाह के नबी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और खून बहकर जूते जम जाते हैं। परेशान होकर अल्लाह के नबी को होश भी आया तो 3 किलोमीटर बाहर होश आया। क्या देखकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हुए, और जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो मदद करने के लिए नहीं, इसलिए आया है कि देखो। और क्यों मदद नहीं, मदद के लिए नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि पैगाम देना था अपनी उम्मत के लोगों को कि देखो तुम्हारे जमाने में भी तुम्हें मारा जाएगा, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। हो रहा है ना, त्रिपुरा में मारा जा रहा मुसलमानों को, कभी हम पर जुल्म हो रहे हैं, हमें भी बर्दाश्त कर रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम देकर गया है कि अगर दुश्मन उंगली उठा रहे हैं तो बर्दाश्त करना सीखो। क्यों आए हो? तुम तो मुसलमान हो, मुसलमानों का तो काम यही है। आइए मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी वहाँ से तो आ गए, अल्लाह के नबी मक्का में दीन की बात बता रहे, फिर शुरू किया है। उन मुशरिकों ने, उन मुशरिकों ने सोचा है कि मोहम्मद रोक नहीं रहा है। अब उनके चचा के पास पहुँचे, अबू तालिब के पास, लेकिन उसे भी धमकी दी, अल्लाह के नबी ने उनकी बात भी नहीं मानी, हद यहाँ हो गए। उन मुशरिकों ने सोचा कि क्या किया जाए, बस ये बात किए कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, मोहम्मद को मार दिया जाए। अब मोहम्मद को मारने की प्लानिंग की गई, अल्लाह के नबी जब अल्लाह के नबी के खिलाफ ये प्लानिंग की है उन लोगों ने, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से बताया है, नबी वहां से निकल जाओ। इन मुशरिकों ने, ये दरिंदों ने ये सोचा है कि मोहम्मद को मारा जाए, मारा जाए, मोहम्मद को खत्म कर दिया जाए, मोहम्मद को दुनिया से मिटा दिया जाए, ना रहेगा बस, ना बजेगी बसोरी, यानी उसको खत्म कर दिया जाए। ये प्लानिंग की उन मुशरिकों ने, अल्लाह के नबी निकल गए, चले गए, पता भी नहीं किसी को, मारने की प्लानिंग की, लेकिन अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया। तो हमें क्या करना है? नबी की इन बातों पर अमल करना है। हम जब परेशानी में पड़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अपने रब को याद करते हैं, अपने मालिक को याद करते हैं, लेकिन जब दुख और परेशानी दूर रहते हैं तब अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते हैं। ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम अल्लाह को याद क्यों नहीं करें, क्योंकि इंसान के पास अगर पैसा रहता है, अगर इंसान के पास माल और दौलत रहता है तो अल्लाह को भूल बैठता है, अगर पैसा चले जाए तो अल्लाह को याद करता है। मंत्र ने इस बात की बताई गई है कि किसको याद करना है। आइए एक मंत्र खोलिए, महाभारत उठाइए, महाभारत खोलिए, आपको एक मंत्र मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये मंत्र जो मैं सुना रहा हूँ बहुत कीमती है। क्या कीमती है? जो सर्वगलिफ्त निर्लिफ्ता ता महिमा को कह संक्षेपा, जाके नाम तरत संसारा, जाही राम दुख सुख सहारा। हे लोगो, अगर तुम परेशानी में हो, अगर तुम सुख और दुखों में हो, तो जाओ उस रब के सामने और उसको पुकारो, उसी से मांगो, वही देने वाला है, उसके अलावा किसी और से मांगना मत, क्योंकि उसके अलावा तुम्हें जर्रा बराबर भी कोई कुछ दे नहीं सकता है।
तुम हजारों लाखों कोशिश कर लो लेकिन तुम नाकाम रह जाओगे, कामयाब नहीं हो सकते हो। इसलिए कामयाब होने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दुख और सुखों में जाकर अपने रब को पूजना पड़ेगा, उसी के सामने सरों को झुकाना होगा। मैं कटिहार से आ रहे थे प्रोग्राम में, एक आदमी यानी मनिहारी के करीब घर से निकल रहे हैं, वो भी सफर में जाने वाले हैं, लोग आशीर्वाद ले रहे हैं पैर छोकर, ये गलत है तरीका। और वही कह रहा मंत्र के अंदर, दुख और परेशानी में हो तो क्या करना है, अल्लाह के सामने जाकर सर को झुकाओ, उनसे मांगो, किसी के दर पे नहीं। क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, उजीबु दावत दाई इदा दान, ए नबी अगर तुमसे ये लोग सवाल कर रहे हैं, ए नबी अगर तुमसे ये लोग पूछ रहा है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कहाँ है, तो बता दो करीब ही है, तुम उसको पुकारो, वो तुम्हारी पुकार को सुनने वाला है, वो तुम्हारी पुकार को सुनने के लिए बैठा है। है लोगों तुम उसको पुकारते रहो, है लोगों तुम उसे पुकारो, वो पुकार को सुनने के लिए बैठा है। हम अल्लाह को पुकार रहे नहीं, आप क्यों नहीं पुकार रहे हैं? इसलिए मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को छोड़कर किसी और से मोहब्बत कर रहे हैं, जो मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए, जो मोहब्बत अल्लाह से रखनी चाहिए, वो मोहब्बत किसी और के दर पे जाकर कर रहे हैं, किसी और से वो मोहब्बत कर रहे हैं। ये गलत है तरीका, और कुरान ने बताया है, हमें सही रास्ता दिखलाया है कि मोहब्बत किससे करना है। आइए कुरान करीम उठाइए, अल्लाह ताला फरमाता है, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, है लोगो दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद है अल्लाह को छोड़कर दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए वो मोहब्बत किसी और से कर रहा है, जो मोहब्बत अपने रब से करनी चाहिए वो मोहब्बत किसी और से कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बल हुब्बल लिल्लाह, जो मोमिन होगा, जो ईमान वाला होगा, जिसके पास ईमान की ताकत हो, जिसके पास ईमान की पूंजी हो, वो मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से करेगा, किसी और से नहीं, किसी और के सामने सरों को नहीं झुकाएगा। मोहब्बत करेगा तो सिर्फ अल्लाह से, प्यार करेगा तो सिर्फ अल्लाह से, क्योंकि उसे मालूम है कि कयामत के दिन सबको हाजिर होना है और एक एक चीजों का हिसाब देना है, क्योंकि कयामत का जो मंजर होगा ना, डेंजर होगा। और यही मैं बताना चाहता था कि कयामत क्या है, कि कयामत का मंजर और कयामत के दिन लोग क्यों परेशान हो जाएंगे। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोग अपने पसीने में डूबते हुए होंगे, मर्द हो या औरत, कोई भी हो, या शौहर हो या बीबी, माँ हो या बेटे, कोई भी हो, अपने पसीने में डूबते हुए होंगे, वो परेशान रह जाएंगे, वो तंग हो जाएंगे कि क्या करूं, लोग परेशान हो जाएंगे। मेरे भाइयों, तो आपको क्या करना है, मोहब्बत अल्लाह ही से करना है और कयामत से डरना है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन नासु तक्कु रब्बकुम, है इंसानो अल्लाह से डरो, इन ज़लज़लतस साअति शय्युन अज़ीम, क्योंकि कयामत का जलजला भयानक है, क्योंकि कयामत का जो दिन होगा डेंजर होगा। यौम तरौनहा तदालु कुल्लु मुर्दियातिन, लोगो तुम अपने आंखों से देखोगे, एक दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर भागेगी, अब माँ बेटे से दूर भागेगी, बाप अपने बेटे से भागेंगे, भागेगा, और अपने भाई लोग भी अपने भाइयों से भागेंगे। ये परेशानी है, इन तकलीफों में कयामत का मंजर होगा, उन तकलीफों में और परेशानियों में लोग पड़े रहेंगे, और उन परेशानियों से तुम बचना चाहते हो, नबी के दिन पर अमल करो। नबी ने जो रास्ता दिखलाया है, नबी ने जो तरीका बताया है, रसूल ने जो तरीका बताया है, ऐ लोगों उन पर अमल कर लिया करो, कामयाब हो जाओगे। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, नबी के तरीके पर अमल करो, नबी के रास्ते को अपनाया करो, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। कामयाबी चाहते हो तो रबी के और रसूल के तरीके पर अमल किया करो, और अल्लाह की दीन और अल्लाह की दी हुई किताबों पर अमल करो। आओ, कयामत का दिन होगा, लोग परेशान हो जाएंगे, कहाँ जाऊँ, किस हाल में रहूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद तलब करूँ, लोग ये मशवरा करेंगे,
उस हाल में भी ये मशवरा करेंगे, चलो हम एक काम करते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास चले जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग पहुंचेंगे और जाने के बाद कहेंगे, आदम आप अल्लाह के पहला रसूल है, आप अल्लाह के पहला नबी है, अल्लाह ताला ने अपने हाथों से आपको पैदा किया बनाया है, इसलिए आप सुन लीजिए, है आदम हमारे लिए शिफात कर दीजिए। क्या आप देख नहीं रहे हमारी हालात क्या हो रही है, हमारे परेशानी का आलम तो आप देख ही रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, नफसी नफसी मुझे अपने ही फिक्र है, मुझे अपने ही फिक्र है, मैं ये काम कभी भी नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं क्योंकि मैंने अल्लाह ताला ने हमें जन्नत से निकलने के लिए मना किया था, दरख्त के पास जाने से मना रोका था, लेकिन हमने उनकी बातों को नहीं मानी, दरख्त के करीब चल पड़े थे, फिर ये हुआ कि आज मामला यहाँ पहुँच गए, मैंने खताएं की और ये मामला अल्लाह ताला ने दर्ज करके रखा है, इसलिए मैं नहीं जा सकता, तुम एक काम करो। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मेरी राय ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास दौड़ेंगे, नूह अलैहिस्सलाम से कहेंगे, ऐ नूह आप अल्लाह के पहला रसूल और नबी है, इसलिए आप अल्लाह के वहाँ मेरे लिए शिफात कर दें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, नफसी नफसी मुझे अपने ही फिक्र है, मुझे अपने ही फिक्र है, मैं नहीं जा सकता। वो कहेंगे अल्लाह ताला ने मुझे मना किया था और मैंने अपने कौम के लिए बद्दुआएं की थी, इसलिए मैं नहीं जा सकता। नूह अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, एक काम करो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। वो लोग नफसी नफसी के आलम में फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास दौड़ेंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सवाल करेंगे, ए इब्राहिम आप अल्लाह के खलील यानी अल्लाह ताला ने आपको वहदा और पैगाम यानी वो ताकत दी है, इसलिए आप अल्लाह के पास जाइए और मेरे लिए चंद मिनट हम लोगों के लिए शिफात कर दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, नफसी नफसी मुझे अपने ही फिक्र है, मुझे अपने ही फिक्र है, मैं नहीं जा सकता। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही जवाब देंगे, नफसी नफसी मुझे अपने ही फिक्र है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यही जवाब देंगे। आखिर में लोग दौड़कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कहेंगे, ऐ नबी मोहम्मद आखिरी नबी, अल्लाह ताला ने आपको रसूलों में सबसे अफजल बनाया है, नबियों का सरदार बनाया है, अल्लाह ने आपको दुनिया से जन्नत का शेर कराया है, इसलिए आप एक काम कीजिए, आप जाइए और अल्लाह के वहां शिफात कर दीजिए, अल्लाह के वहां हमारे लिए दुआ कर दीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़ेंगे और जाकर अल्लाह के अर्श के सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह ताला कह गए, मोहम्मद ऐसा मोहम्मद सर उठाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी से कहा जाएगा, ऐ मोहम्मद बताओ क्या हुआ है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो क्या बात है। अल्लाह के नबी कहेंगे, मेरी उम्मत को शिफात दे दे, मेरी उम्मत को जन्नती करार दे। अल्लाह के नबी से कहा जाएगा कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, जाओ मैंने तुम्हें शिफात यानी तुम्हारी बातों को मैंने मान ली। अल्लाह के नबी को बातों को मानने वाला अल्लाह ताला उनकी बातों को यानी कह देगा, जाओ मैंने मान लिया, चले जाओ, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मेरे भाइयों क़यामत का दिन होगा, आइए हजरत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन होगा। बहुत कीमती बात है, इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ये बात लेकर जाना ही है घर में कि हम क्या है। आइए गौर कीजिए, क़यामत का दिन होगा, एक आदमी आए, एक नबी आएगा, उनके साथ सिर्फ एक आदमी होगा, दूसरा नबी आएगा उनके साथ सिर्फ दो आदमी होंगे, तीसरा नबी आएगा उनके साथ सिर्फ तीन आदमी होंगे, इसी तरीके से चंद नबी अलैहिस्सलाम आएंगे, उनके साथ चंद अफराद होंगे, चंद लोग होंगे, फिर अल्लाह ताला उनसे सवाल करेगा, है नबी मैंने तुम्हें रसूल बनाया, मैंने तुम्हें नबी बनाया, लेकिन तूने दुनिया में क्या किया, तूने दुनिया में क्या करके आया, क्या तूने दीन की बात लोगों तक नहीं पहुंचाया, क्या तूने अपने कौम वालों तक दीन की बात नहीं पहुंचाया है। वो नबी कहेंगे, हमने पहुंचा दिए, लोगों को बताया, उल्टे हम पर जुल्म किया है। अल्लाह ताला कहेगा, क्या सच में ये काम तूने किया है, सच में ये काम तुमसे हुआ है, कि हाँ। अल्लाह ताला कहेगा, क्यों नहीं, जरूर। मेरे भाइयों
सुनो आपको बताना चाहता हूँ, फिर अल्लाह ताला पूछेगा कि मैं आपको बता दूँ, मैं आपसे कह दूँ, ये बात मैं पहुँचा दूँ, मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। आइए मैं एक और हदीस बताता हूँ। इस हदीस यानी फिर अल्लाह ताला जब ये बात बताएंगे, बात कहने लगेंगे, अल्लाह नबियों ने कहेगा मैंने पहुँचा दिए, गवाह कहाँ है, गवाह लाओ, गवाह कहाँ है, गवाह भी अल्लाह ताला ढूंढेगा कि गवाह कौन है। नबियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पकड़ेंगे, हम सब को पकड़ेंगे जो ईमान पर अमल करने वाले हों, और पकड़ने के बाद अल्लाह के अर्श यानी वहाँ पे खड़ा कर देगा और कहेगा या अल्लाह देखो यही गवाह है। अल्लाह ताला पूछेगा क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें पता है कि इन नबियों ने, इन रसूलों ने अपने कौम वालों तक दीन की बातें पहुँचा दी है। कहेगा हाँ। तो अल्लाह ताला कहेगा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ, तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें किसने बताया है। फिर हम लोग यानी मोहम्मद की उम्मत लोग बताएंगे, उम्मती लोग कहेंगे अल्लाह के नबी ने, आपके प्यारे यानी आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कि दीन की बातें हर नबियों ने आकर अपने कौम वालों को बताया है, अपने कौम वालों से कह दी है, लोगों अमल क्या करो, लोगों अमल क्या करो, लोगों इन चीज़ों पर अमल क्या करो। ये मामला होगा कयामत का मंजर का, ये हम उम्मती यानी गवाही देंगे, ये मोहम्मद की उम्मत की ये फजीलत है। और कयामत का दिन होगा जिसका नाम है आमल उनके दाएं हाथ में होगा और जिनका नाम है आमल बाएं हाथ में होगा, वो दोनों क्या होंगे, आइए हम गौर व फिक्र करते हैं। कयामत के दिन अल्लाह ताला इसीलिए कुरान करीम के अंदर ये कयामत का मंजर बयान करने से पहले इंसानों को पुकारा और इंसानों से क्या कहा, या अय्युहन नास इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। हे इंसानों, यहां पे मैं एक बात बता दूं, यहां पे अल्लाह ताला ने किसी एक मजहब वालों को खास नहीं किया है, या अल्लाह ताला ये नहीं पुकारा है, हे मुसलमानों आओ मैं तुम्हें बता रहा हूं, या किसी एक मजहब वालों को नहीं पुकारा है, बल्कि इंसान जो भी है अल्लाह ताला फरमाता है, हे इंसानों सुनो, यानी तुम अपने रब से मिलने से पहले तुम्हें क्या करना है, अपने रब से मुलाकात करने से पहले क्या करना है, अपने मालिक से मुलाकात करने से पहले क्या करना है, तुम्हें तैयारियां कर लेना है। जिस तरीके से तुम चलते हो ना, सफर में जाते हो, गाड़ी चेक करते हो कि पेट्रोल है या नहीं, उसी तरीके से यानी दुनिया का इंतज़ाम करते हो, साल भर के लिए खाना है या नहीं है वो भी आप ढूंढ रहे हैं, वो भी आप चेक कर रहे हैं कि है या नहीं है, उसी तरीके से आखिरत के लिए आपको भी ढूंढना है। हाँ, इसीलिए अल्लाह ताला ने ये बता दिया है, लोगों याद किया करो, लोगों इन चीज़ों पर गौर व फिक्र कर लो, लोगों ये कीमती दौलत है, लोगों इन चीज़ों पर अमल कर लिया करो, अगर कामयाबी चाहते हो तो इन चीज़ों पर अमल करो, यकीनन कामयाब हो जाओगे। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ अब वाकया कयामत के मंजर का बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है यानी जिसका नाम है आमाल उनके दाएं हाथ में दे दिया जाएगा, वह हंसी खुशी अपने घर वालों के तरफ दौड़ पड़ेंगे, वह हंसी खुशी अपने लोगों के तरफ, घर वालों के तरफ, अपने घर के लोगों में से जन्नती लोग होंगे। उलमा कहते हैं घर में 15 लोग रहते हैं ना, 15 लोगों में अगर 10 लोग जन्नती है, अगर उनमें से 11वां लोग अगर जन्नती बन जाए तो वह आदमी 10 लोगों के तरफ दौड़ पड़ेंगे, हंसी खुशी दौड़ पड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे भी जन्नत में दाखिल कर दो, मैं भी जन्नती हूँ, मैं भी तुमसे जन्नत में जाना चाहता हूँ, जरा रुक जाओ, मुझे भी साथ में ले लो, मुझे भी साथ में लेकर जन्नत में चल, मैं भी चला जाता हूँ, एक साथ मैं चला जाऊँगा। ये बात कह दिए, हाँ वो हंसी खुशी दौड़ पड़ेंगे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है इस इन लोगों का यह हाल होगा जिसका नाम है आमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, लेकिन ये कयामत का दिन होगा। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा अज़हरी, यानी कयामत का दिन होगा जिसका नाम है आमाल उनके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा, वो मौत को बुलाने लगेंगे, वो कहेंगे मौत तूने क्या किया आज, आज मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है, तू कहाँ भाग रहा है, आओ दुनिया में तूने मुझे एक मिनट का वक्त नहीं दिया, एक दो मिनट का मोहलत नहीं दी, आज तू भाग रहा है, आओ। लेकिन मौत वहाँ से भाग जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाता है यानी उसे भड़कती हुई आग यानी जहन्नम में डाला जाएगा, और जिसका वादा अल्लाह ताला ने उनसे किया था कि ये हाल, ये उनका हालात होगा, यानी उसे जहन्नम में डाला जाएगा, ये आदमी होगा जो दुनिया में खुशहाल था, दुनिया में पैसा वाला था और ये सोच रहा था कि मैं मरने के बाद जन्नत
को खरीद लूंगा, मैं मरने के बाद जन्नत को अपना बना लूंगा, मैं मरने के बाद जन्नत को अपना ठिकाना बना लूंगा। अरे जन्नत कौन नहीं देगा, मैं पैसे से खरीदूंगा, मेरे पास पैसा है। लेकिन कयामत का दिन होगा, पैसे काम आने वाला नहीं है। यह पैसा दुनिया ही में है, यह दौलत दुनिया ही में है, लेकिन शक्लें हैं दान और खैरत करने का, वो अलग बात है। लेकिन इसलिए बताया जा रहा है, जो दुनिया में इंसान दुनिया की मोहब्बतों के पीछे दौड़ता है और पैसा कमाने के चक्करों में दीन को भुला बैठता है, उन लोगों की बयान है कि वो पैसे से समझ रहा था कि मैं जन्नत को खरीद लूंगा, उसने कुरान को छोड़ दिया। और एक शक्ल कुरान ने बयान की है, अल्लाह ताला फरमाता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामत यामा, कयामत का दिन होगा, यानी कुछ लोग होंगे जो दीन पर अमल नहीं किए, कुरान पर अमल नहीं किया है, यानी दीन इस्लाम पर अमल नहीं किया है, वो कुरान को अपनाया नहीं, उसने दीन को अपनाया नहीं, कयामत के दिन वो आंखों से अंधे यानी आंखों से महरूम रहेगा। उनसे अल्लाह ताला अल्लाह से सवाल करेगा बार बार, या अल्लाह तूने ये मामला मेरे साथ क्यों किया, मेरे साथ ये ऐसा तूने क्यों किया, मैं तो लोगों को दुनिया में देखता था, मैं लोगों से फला बाजार घूम रहे थे, मेरे साथ कोई परेशानी नहीं, लेकिन आज मुझे परेशानी हो रही है, आज मुझे कहीं जाने को नहीं मिल रहा है, ये मामला मेरे साथ है, ये परेशानी मेरे साथ है, मैं क्या करूँ, क्या हाल बना बैठा अल्लाह तूने क्या कर दिया है। अल्लाह ताला जवाब देगा, ये मेरे बंदे सुन ले, तूने दुनिया में मैंने तुमसे ये मामला इसलिए किया है, तूने दुनिया में कुरान को छोड़ दिया था, तूने दुनिया में रसूल की बातों को छोड़ दी, तूने दुनिया में उन लोगों के पीछे दौड़ा रहा है, नौजवानों तूने सलमान खान को अपना आइडियल बनाया, तूने फला हीरो को आइडियल बनाया, फला क्रिकेटर को आइडियल बनाया, आईपीएल आ रहा है, वो जश्न के वजह से रात रात भर गुजर रहे हैं, लेकिन नमाज के वक्त हम हाजिर नहीं हो रहे हैं, कुरान को हम अपना नहीं रहे हैं, कुरान को अपनाने के बजाय वो दीन को अपनाने के बजाय चीजों को छोड़कर भाग रहे हैं। यही मामला है उन लोगों के साथ, यही परेशानी है उन लोगों के साथ, यानी नौजवानों का यह हाल होगा, नौजवान रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे कि क्या करूं, मामला क्या हो मेरे साथ, इन परेशानियों में मैं कहां जाऊं, मैं जगह कहां ढूंढूं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगों अगर दुनिया में रहकर तुम अच्छे अमल करते हो, दुनिया में रहकर दीन पर अमल करते हो, यकीनन कामयाब हो जाओगे, और ये कामयाबी का रास्ता है। कामयाबी चाहते हो कि कामयाबी तुम्हें मिल जाए, कामयाबी ढूंढते हो कि कामयाबी तुम्हें कहां मिले, कुरान पर कभी गौर करो, यानी फिल्मों को छोड़ो, मोबाइल को छोड़ो। और दुश्मनों ने ये हमारे हाथों में हथियार दिया है, दुश्मनों ने हमारे हाथों में हथियार दिया है, वह हथियार क्या है, मोबाइल है, हम मोबाइल यूज करते हैं, उनमें सही यूज करने के बजाय गंदी चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, फिल्मों के आदि बने हुए हैं, गंदी फिल्मों के आदि बने हुए हैं, लेकिन हम कभी जलसा और कुरान हदीस नहीं सुन रहे हैं। आप कुरान सुनिए, अच्छे अच्छे कारी की आवाज में कुरान है, तिलावत है, उनको सुनिए, इसमें रहमत भी है, ये मोबाइल जहमत भी है। आपको मोबाइल ने दुश्मनों ने इसलिए दिया है ताकि आपको मारा जाए, ताकि आपको मुल्क से निकाला जाए, जिस तरीके से यानी स्पेन की यानी इस दुनिया के नक्शे कदम पर एक देश का हाल हुआ है कि मुसलमानों ने 800 सालों तक हुकूमत की, हुकूमत करने के बाद यह हाल हुआ को मुसलमान देख रहे हैं, ईसाइयों की नजरें पड़ी, ईसाइयों ने गौर व फिक्र किया कि मुसलमान हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत को कैसे छीन ली जाए, हुकूमत को कैसे अपना बनाया जाए। फिर उन मुसलमानों के हाथों से उस देश में, उस मुल्क में शराब और सिगरेट डालना, सिगरेट जैसी गंदी चीज़ों की आदि यानी उन नौजवानों को और मुसलमान के नौजवानों के तबके को बनाना शुरू कर दिया। जब मुसलमान उन चीज़ों के आदि बन गए, जब मुसलमान उन चीज़ों के आदि बनकर उन चीज़ों के पीछे दौड़ने लगे, फिर वो दीन से महरूम हो गया, हुकूमत उनके हाथों से चली गई, वो महरूम हो गया, वो परेशान हो गया, फिर उनके हाथों से हुकूमत चली गई। इसी तरीके से दुश्मन ने हमारे हाथों में मोबाइल के जरिए से एक हथियार दिया, नौजवानों घर के अंदर तुम अकेले सोते हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे बिस्तर पर कोई नहीं है, यानी घर के दरवाजे बंद करके, लेकिन तुम उस वक्त यानी उंगली के टच करने से ईमान का सौदा भी हो सकता है, लेकिन उस वक्त तुम्हें क्या सोचना है, तुम्हारा शैतान तुम्हारे जहनों में गंदी बातें भी डाल सकते हैं, इसलिए उस वक्त तुम्हें क्या करना है, आपको रब अपने रब को याद करना है कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, रब देख रहा है कि अल्लाह मौजूद है, और अल्लाह जब तक हमको देख रहे हैं हम बच नहीं सकते।
सकते हैं। और अल्लाह कयामत तक और हम जब तक जिंदा रहेंगे मरने के बाद भी अल्लाह ताला हमें देखेगा। लोगों इसलिए उंगली से टच करने से बचे, इन चीज़ों से बचे, इन चीज़ों से दूर रहे। मैं यही गुजारिश नौजवानों से और उन लोगों से कहूँगा कि बुराइयों से बचे। और आपको क्या करना है, दीन की बातों पर अमल करें। और नौजवानों इन चीज़ों से आदि बनने के बजाय नेक चीज़ों का आदि बने, यानी अच्छी चीज़ों का आदि बने, कुरान हदीस पर अमल करें। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपने गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम लोगों को इन मोबाइल और इन फितनों से, दुनिया के फितनों से और इन ज़ालिमों के जुल्म से बचाए रखें। आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।